मेरे सेयन वॉरियर्स, अच्छा फैशन और ग्रूमिंग के साथ अगर किसी बंदे में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि लोगों को हंसाने की एबिलिटी भी है तो ट्रस्ट में वो 100 times अट्रैक्टिव, काफी कॉन्फिडेंट और मेमोरेबल भी रहता है। इसलिए आज की इस अल्टीमेट सेंस ऑफ ह्यूमर गाइड वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीके बताऊंगा जिससे आप ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में मैं वो बिगेस्ट मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो लोग करते हैं फनी बनने के चक्कर में और फिर अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब देखो, कोई भी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम सडनली कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा कह देते हैं जो लोगों ने सोचा भी नहीं होता है, तो वो चीज इवेंचुअली फनी साउंड करती है और हम उसको जोक का नाम दे देते हैं। लेकिन 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 इसको बिना एम्बेरेस हुए करेक्ट तरीके से कैसे करें, उसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूम कॉमेडी रिलेटेड कॉन्टेंट। अब जैसे हम कोई भी लैंग्वेज या फिर क्रिकेट, डांसिंग और गिटार बजाने की स्किल्स को प्रैक्टिस करके ओवर टाइम बेटर कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम सेंस ऑफ ह्यूमर की स्किल को भी बेटर कर सकते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करके। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई भी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस देख सकते हो, कोई भी मेन स्ट्रीम कॉमेडी रिलेटेड शो, वेब सीरीज या फिर फेमस यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देख सकते हो। ये आपके इनिशियल फेजेस में आपकी बहुत हेल्प करेगा ताकि आप एक फनी एंगल से चीजों को देख पाए और खुद भी फनियर बन पाए। लेकिन जोक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप आता है स्टार्ट स्मॉल। आप इनिशियली अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स के अराउंड जोक्स मार के जिनके सामने आपको एम्बेरेसमेंट का या फिर जज होने का कोई डर नहीं है, आप अपनी फनी होने की स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। आप बस अपनी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए आपकी स्टोरी या फिर जोक को आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर पाए, थोड़ी एनर्जी के साथ बात करें, सुस्त आदमी जोक सुनाता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो थोड़े थोड़े डायलॉग्स उस कॉन्टेंट से भी ले सकते हैं जो आपने कंज्यूम करा था और उसे थोड़ा शॉर्ट भी रखना ताकि आपके लिए काफी ईजी पड़े वो। आप घर वालों और बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कम्फर्टेबल होने के बाद दूसरे लोगों के साथ डे टू डे कॉन्वर्सेशन में फनियर बनने के लिए थर्ड पॉइंट आता है बी सुपर रिलेटेबल। आप देखो, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, आप जहाँ पे भी जाते हो उधर के लोगों के बीच में फनियर बनने के लिए आप अगर उसी प्लेस से रिलेटेड कोई जोक क्रैक करोगे तो वो आपके लिए और सामने वाले के लिए दोनों के लिए रिलेटेबल होगा, जिससे कि आप बहुत ही इजीली फनियर साउंड कर सकते हो। ये रेलेवेंट जोक वाली बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उनके सामने कोई जोक करोगे तो उन्हें बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आएगा या फिर मे बी आपको अगले बंदे का इंटेंशन नहीं पता और वो आपके खिलाफ वही जोक यूज करे कभी। तो इसलिए उसी इंस्टीट्यूट या फिर उस सिचुएशन के अराउंड जो कि सामने वाला भी रिलेट कर पा रहा है वो जोक्स मारना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट 4, टाइप्स ऑफ जोक्स यू कैन यूज। अब हर चीज की तरह जोक्स के भी थोड़े टाइप्स होते हैं, कैसे बंदे के साथ आपके कैसी रिलेशनशिप है आप उस हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आता है एग्जैजरेटेड टाइप जोक्स, इसमें आपको कोई भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना होता है ताकि वो बात फनियर साउंड करे। जैसे मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई मैथ्स के एग्जाम के लिए तूने पूरी तैयारी कर ली क्या, तो इसमें मैं बोलूंगा कि हाँ भाई इतनी ज्यादा तैयारी कर ली कि टेस्ट के बाद खुद की मैथ्स की बुक लिखने वाला हूँ मैं घर जाके। सेकंड टाइप का जोक होता है सरकास्टिक टाइप जोक, इसमें आपको जो रियल सिचुएशन है उसकी जस्ट अपोजिट चीज बोलनी होती है सिचुएशन को फनी करने के लिए। जैसे मेरे दोस्त ने मेरे से जिम में पूछा कि भाई तू भी इधर ही जिम करता है, तो इसमें मैं बोलूंगा नहीं भाई जिम की मशीनों में कपड़े सुखाने आया था, सुखा दिए बस अब मैं जा रहा हूँ। थर्ड टाइप आता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स, इसमें आप खुद पे ही बिल्कुल लाइट हार्टेड जोक्स क्रैक करते हो ताकि सिचुएशन ह्यूमरस बन सके। जैसे कि मैं बोलूंगा भाई तुम्हें पता है मेरे दादाजी का नाम आरडी शर्मा है, तो लोग उसमें बोलेंगे क्या बात कर रहा है, फिर उनके रिएक्शन पे मैं रिप्लाई दूंगा कि फिर भी मैं मैथ्स में हमेशा फेल होता था। फोर्थ आता है ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, इस टाइप के ह्यूमर का स्टैंड अप कॉमेडी में काफी यूज होता है, जिसके लिए आप ऑब्वियस डे टू डे चीजों में कोई एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि यार तुम्हें पता है जानवर इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि यार वो हमेशा पुशअप पोजीशन पे रहते हैं फिर भी उनकी बॉडी नहीं बनती। ऐसे ही काफी सारी तरीके के ह्यूमर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स पे एक डिटेल्ड आर्टिकल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। पॉइंट 5, डोंट ओवरथिंक, क्योंकि मेरे को आपको हर एक चीज समझानी थी इसलिए मैंने इतनी स्ट्रक्चर्ड वीडियो बनाई है, बट सही बताऊं तो जोक्स क्रैक करने से पहले इतना ओवरथिंकिंग में मत पड़ना। कई बार जोक्स आपके लगेंगे, कई बार नहीं लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल रिलैक्स होके इजी माइंडसेट से सेंस ऑफ ह्यूमर की स्किल डेवलप कर सकते हो, बट कुछ मेजर मिस्टेक्स को करने से बचना जिसके बारे में मैं अभी बोनस टिप में बताऊंगा। बाकी बी योरसेल्फ एंड कीप इंप्रूविंग। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की बिगेस्ट मिस्टेक्स के लिए फर्स्ट है पॉलिटिकल टाइप जोक्स और किसी को नीचा दिखाने वाले जोक्स मत क्रैक करना, ये आपके रिलेशनशिप्स बिगाड़ सकते हैं। सेकंड, कोई आप जोक मार रहे हो तो उसको ओवरडू मत करना, नहीं तो उल्टा आप बोरिंग कहलाने लग जाओगे। नंबर 3, अपनी लिमिट्स में रहो, चीप जोक्स मत मारना हर किसी के सामने। और नंबर 4, जोक सुनाने से पहले खुद पागलों की तरह मत हंसना, कंप्लीट करने के बाद ही सबके
साथ हंसना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बहुत ही यूजफुल रील्स डालने लग गया हूँ मैं आजकल रेगुलर बेसिस पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में।